हेलो एवरीवन दिस प्रेम कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आवर बस फाइव मिनट सीरीज और आज के पांच मिनट के इस वीडियो में हम जानेंगे नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग के बारे में साथ ही में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स जिससे ये टास्क दिया गया है फॉर द कल्चरल मैपिंग ऑफ विलेजेस Art and के बारे में जो भी पूरी मैपिंग करेगी इस इंस्टीट्यूशन को यह टास्क दिया गया है एंड 75 फाइव में ट्रायल रन स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम दिस अक्टूबर राइट सो क्या है ये ये कल्चरल मिशन हम जानते हैं सबसे पहले इट वॉज लॉन्च इन टू इसका जो बजट था दैट वॉज अराउंड फोर करोड़ एंड इट वॉज लॉन्च फॉर द पीरियड ऑफ फाइव इन एम क्या था टू मेक द कॉम्प्रीहेंसिव डेटा बेस्ड ऑफ आर्टिस्ट आर्ट फॉर्म्स स्पेशली इनकी जो जोग्राफिक जो जो लोकेशन है ये कहाँ पे आर्ट फॉर्म जो है परफॉर्म होती है इसके साथ साथ स्पेशली जो फोक आर्ट्स होती हैं उनका हमें बहुत जरूरी हो जाता है एक प्रॉपर डेटा बेस रहे क्योंकि फोक आर्ट्स को बहुत ज़्यादा मदद की जरूरत है कंजर्वेशन की जरूरत है प्रिजर्वेशन की जरूरत है और जो भी ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इन फोक आर्ट से जुड़े हुए हैं उन सबको अगर कोई उनके लिए बेनिफिशियल स्कीम है तो हमें कैसे पता लगेगा कि इनके लिए ये स्कीम आई है अगर हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव डेटा बेस होगा तो हम इन सबको आराम से उस स्कीम के अंडर ला सकते हैं राइट सो so, विलेजेस जो ऐसे हेरिटेज विलेजेस हैं फोक आर्ट्स हैं जो आर्टिस्ट हैं जो इनको परफॉर्म करते हैं वो किस जोग्राफिकल लोकेशन पे रहते हैं इंडिया की तो वो सारा हम यहाँ पे मैपिंग कर लेंगे फॉर एग्जाम्पल दिस आर्ट इज परफॉर्म्ड हेयर तो इसका कौन कौन आर्टिस्ट हैं, कहाँ पे इसका एग्जैक्टली exactly जो गांव है उसकी लोकेशन क्या है तो ये सब हम इस मैपिंग मिशन में करेंगे राइट सो एम मैंने आपको बताया टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ द इंडिया उसके साथ ही कल्चरल मैपिंग करनी है हमें पूरी तो ये भी एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव कल्चरल मैपिंग होनी चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए एंड विद दिस मिशन वी आर एक्चुअली प्रमोटिंग द कल्चरल वाइब्रेंसी अक्रॉस आवर कंट्री तो ये भी इसका एम है राइट right? अब ये है कि चलिए ये सब तो हम करेंगे अब किसकी मदद से करेंगे तो अगर हम देखें तो यहाँ पे वॉलेंटियर्स लिए जाएंगे स्पेशली फ्रॉम दिस नेहरू युवा केंद्र संगठन एंड नेशनल सर्विस स्कीम जो है इनके वॉलेंटियर साथ ही में ऐसे लोग जो सोशोलॉजी की स्टडीज में है या फिर सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं इन लोगों को विलेज टू विलेज भेजा जाएगा और ये सब लोग डेटा कलेक्ट करेंगे राइट इसके साथ ही नेशनल ई गवर्नेंस जो डिविजन है स्पेशली ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो इनका भी टेक्निकल कोलाबोरेशन लिया गया है इसमें जो डेटाबेस कलेक्ट होगा वो स्टेट से कोलेबरेट uh, किया जाएगा यूनियन टेरिटरीज से या फिर ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस जो इनके लिए काम करते हैं आर्ट के लिए फोक आर्ट्स के लिए फोक आर्टिस्ट के लिए उन सबसे ये डेटा को कलेक्ट किया जाएगा राइट सो दिस वॉज नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग तो मैंने आपको बताया पांच साल के लिए है तो 2017 में लॉन्च हुआ तो 2022 तक ये चलेगा राइट इसमें हम पूरी कल्चरल मैपिंग करेंगे अब इसका जो टास्क है ये काफी स्लो चल रहा था प्रोजेक्ट अब ये टास्क दिया गया है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स इसको दिया गया है कि आप ये काम करेंगे इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जान लें तो 1987 में दिस इंस्टीट्यूशन वाज एस्टाब्लिश्ड अंडर ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के ही काम करता है ऑटोनोमस एक इंस्टीट्यूशन है इसका एम क्या है अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के एम के बारे में बात करें तो रिसर्च अकेडमिक रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है उन सब के एरियाज में स्पेशली ध्यान रखना रिसर्च के ऊपर भी ये बहुत काम करता है तो इन द फील्ड ऑफ आर्ट ये रिसर्च उससे रिलेटेड कोई भी अकेडमिक जो रिसर्च चाहिए होती है अकेडमिक परपज जो भी चाहिए होते हैं वो उन सब पे ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है स्पेशली आर्ट फॉर्म लाइक रिटर्न ओरल एंड विजुअल जो है ये काम करता है अब इस ऑर्गेनाइजेशन को 5000 हजार विलेजेस को मैपिंग पे लाना है कल्चरल मैपिंग करनी है बाई द एंड ऑफ दिस ट्वेंटी राइट इसके साथ ही इन्होंने और पचहत्तर विलेजेस में 75 फाइव में ये मिशन जो है ट्रायल मोड पे स्टार्ट हो जाएगा और अब इसको बहुत तेजी से मिशन मोड में खत्म करने का जो प्रावधान है जो एम है वो है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के लिए, राइट। सो दिस दिस वाज ऑल अबाउट बस मिनट वीडियो। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा ऐसा है तो आप हमसे इन सभी प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं जुड़ सके थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एन ऑल इन वन प्रोग्राम दैट कवर्स दमिकॉम्स एंड लास्ट ईयर वी करंट affairs classes